सूरज रोज सुबह कहीं उगता है और पृथ्वी के उस हिस्से में प्रकाश भर देता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहती है और दिन ढलता है, आ जाती है रात। वैसे तो चांद दिन में भी दिखता है, लेकिन रात के अंधेरे का वो राजा है। कभी फांक भर तो कभी पूरा का पूरा गोल। हम सबके लिए ये कोई नई बातें नहीं, लेकिन अब इस प्रयोग में समझते हैं सूरज, पृथ्वी और चांद का अनोखा रिश्ता। चाहिए ये सामान, एक गेंद जिसे हम सूरज मानेंगे, एक ग्लोब जो करेगा खेल में मदद। तो शुरू करें। ग्लोब की मदद से चार ऐसी जगहें ढूंढें जो चार अलग अलग दिशाओं में हों। भारत से शुरू करें। ग्लोब को घुमाएं तो पीठ पीछे मिलेगा अमेरिका। भारत के एक ओर से लिया है यूके, यूके और यूके के ठीक पीछे है जापान। चार देश चार दिशाएं। ये आया पहला बच्चा, उसके हाथ में गेंद, वो बीच में खड़ा हो जाता है। फिर आए चार और बच्चे, हरेक के ऊपर पिन से लगा है एक एक चुने हुए देश का नाम। इन्हें खड़ा होना है पृथ्वी पर अपनी स्थिति के अनुसार, पीठ से पीठ लगाकर, हाथ इस तरह पकड़े हुए। तो पृथ्वी तैयार है और सूरज भी। मैं सूरज हूँ, आई एम द सन। पृथ्वी घूमना शुरू करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान दें कि किस तरह बच्चे छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, और जब एक देश का मुंह सूरज की तरफ तो उसके पीछे वाले की पीठ। आई एम जापान, आई एम फेसिंग द सन, सो इट्स डे हियर एंड एट माय बैक इज यूके। इंग्लैंड में रात, लेकिन पृथ्वी घूमी और भारत सूरज की ओर। मैं इंडिया हूँ और मुझे सूरज दिख रहा है, सो इधर दिन। भारत में दिन तो अमेरिका में रात, पृथ्वी घूमी तो इंग्लैंड सामने। मैं यूके हूँ, इंग्लैंड, या अभी मेरे को सूरज दिख रहा है तो यहाँ दिन है। पीछे जापान में रात, अब अमेरिका का मुंह सूरज की ओर। मैं यूएसए, मेरे पीछे इंडिया है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात। ये एक आसान खेल, दिन और रात की बात समझने को, लेकिन खेलते हैं कुछ और, इस बार एक सरल से खिलौने के साथ। बाल्टी के टूटे हैंडल पर बांधी हैं दो गेंदें। ये खिलौना मात्र है जिसमें पैमाने या पृथ्वी की धुरी को नजरअंदाज किया गया है। मान ले कि वो सूरज था और ये पृथ्वी जिसके ऊपर खड़े हैं आप। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर गोल घूम जाती है और इसी से होते हैं दिन और रात। सूर्योदय के समय सूरज दिखना शुरू। घुमाएं पृथ्वी को और समझें दिन रात की ताल। मध्य रात्रि, पृथ्वी के आपके हिस्से ने सूरज की ओर पीठ मोड़ ली है। बीच दोपहर में सूरज बिल्कुल ऊपर, यही है दिन का सबसे रोशन हिस्सा। सूर्यास्त समय है तब जब पृथ्वी सूरज से मुंह मोड़ने लगती है। इसे अच्छे से समझें। सनसेट, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, मॉर्निंग, आफ्टरनून। मैंने ये सब ज्योग्राफी में सब पढ़ा था, लेकिन जब हमने ये एक्टिविटी की तो और क्लियरली पता चला कि कैसे सब होता है सन के साथ। सूरज के साथ पृथ्वी और पृथ्वी के साथ चांद। लेकिन क्यों बदलता है चांद अपना आकार? अर्थ भी कभी कभी मून के एरिया में आ जाता है, मून के सामने होता है, तो जो जितना एरिया अर्थ कवर करता है तो उतना विजिबल नहीं होता। क्या होता है कभी कभी कि मून भी रिवॉल्व करता है और अर्थ भी रिवॉल्व करता है, तो फिर कभी कभी जो सन का लाइट होता है वो मून के थोड़े पोर्शन पे लगता है जो अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। द मून रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन एंड लाइक द सन गिव्स लाइट टू द अर्थ ऑल्सो एंड मून इज ऑल्सो वेरी essential part of earth as it
एज इट इज शोन इन द नाइट एंड सन इन द मॉर्निंग। चांद बहुत छोटा है अगर आप अर्थ के साइड से देखेंगे। कभी कभार चांद अर्थ जब आपको जब सन की लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट करता है तो अर्थ उसके क्रैक में आ जाता है और जितनी भी थोड़ी लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है जिससे आपको चांद की शेप्स हर दिन डिफरेंट लगते हैं। किताब में पढ़ी इन बातों को समझते हैं दिन के उजाले में मैदान में एक खरबूजे के साथ। तो हमें चाहिए एक खरबूजा और एक मजबूत बांह, साथ में खिली हुई धूप। मान ले कि आप पृथ्वी हैं और सूरज है सूरज, आपके हाथ में खरबूजा है चांद, आपका उपग्रह जो आपके साथ ताल मिलाकर घूमता है। हाथ को फैलाएं और चांद को सूरज की लाइन में रखें, घूमना शुरू करें। गौर करें कि कैसे आपको हाथ ऊपर करना है और फिर नीचे, ताकि सूरज पृथ्वी और चांद एक लाइन में बने रहें। अपनी नजर खरबूजे पर रखें और देखें इस चांद की कलाएं, उसके फेजेस। चांद की कलाएं वो होती हैं सूरज और पृथ्वी के साथ चांद की बदलती स्थिति के कारण। याद रहे चांद है पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी के गुरुत्व में बंधा। हम हमेशा चांद का एक ही मुख देखते हैं। अगली बार आप चांद को देखें, उसके बदलते आकार को देखें, तो जरूर सोचें कि वो कहां होगा और किस स्थिति में होगा। ये प्रयोग आपको कैसा लगा लिख भेजिए सूरज जमीन पर विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा 201309। आप ईमेल भी कर सकते हैं।